टिगरी बॉर्डर पर कटीले तारों की लंबी फेंसिंग, शंभू बॉर्डर पर लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का तगड़ा पहरा। किसानों की दिल्ली कूच से पहले पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए दिल्ली के बॉर्डर को कटीले तार, सड़क पर लोहे के कीले और बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। एक और जहां पुलिस अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान भी अपना काफिला लेकर चल पड़े हैं। एनआई के केंद्रीय खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि किसानों ने बैरिकेड्स को हटाने के लिए ट्रैक्टरों में हाइड्रोलिक उपकरण लगाए हैं, साथ ही आंसू गैस के गोले से लड़ने के लिए आग प्रतिरोधी हार्ड शेल ट्रेलर तैयार किए जा रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया गया है। दिल्ली की सीमा से लगे इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी के साथ साथ सीसीटीवी और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर पर प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए क्या तैयारी की है, इसे लेकर इंडिया टुडे टीवी के हमारे साथी सत्येंद्र चौहान ने ग्राउंड जीरो से क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। शंभू बॉर्डर पर अब की बार किसानों से टकराव होने की स्थिति में किस तरीके से बचाव किया जा सके, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, तस्वीर दरअसल मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, तकरीबन 70 मीटर के इलाके में सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के बीच में सीमेंट का मसाला भरा हुआ है ताकि ट्रैक्टर या किसी अन्य मशीन से इनको खींचा ना जा सके। अगर ट्रैक्टर आगे भी बढ़ते हैं तो सीमेंट के मसाले में ये कांटेदार कीलें लगाई गई हैं ताकि टायर यहाँ पर पंचर हो जाएं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भी ट्रैक्टर के अलावा इन पर चढ़ता है तो ये कंटीलीदार तारे हैं। अगर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और उसके बाद लोहे की ये बैरिकेडिंग है और इस बैरिकेडिंग के बाद वज्र वाहन और दंगा निरोधी जितने भी वाहन होते हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अभी से ही पुलिस ने मॉक ड्रिल भी की है, आंसू गैस के गोले भी छोड़ के देखे गए हैं ताकि किसी भी सूरत में अगर कोई टकराव होता है तो पुलिस की तैयारियों में किसी तरीके से कमी ना आए। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो पंजाब से लगने वाले जितने भी बॉर्डर हैं कॉर्डन ऑफ कर दिए गए हैं। बॉर्डर के अलावा एक एक किलोमीटर आगे बैरिकेडिंग की गई है, धारा 144 कई जिलों में लगाई गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो बल्क मैसेज हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर एक तरफ सरकार किसानों से बात कर रही है तो दूसरी तरफ हालात भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के कई किसान संगठनों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया है, इसे लेकर किसानों की क्या तैयारी है, इस पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी श्रवण सिंह पंडेर ने क्या कुछ बताया, आपको भी सुनिए। श्रवण सिंह पंडेर किसान मजदूर मोर्चे का कोऑर्डिनेटर, तैयारी बहुत पूरे देश भर से हर सूबे से, तमिलनाडु से, केरला से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सभी पूरे प्रदेशों से किसान कल करोड़ों करोड़ कूच करेंगे। आज हम लोग यहाँ ब्यास से रवाना होकर फतेहगढ़ साहब में स्टे करेंगे, मीटिंग के बाद आगे निर्णय करेंगे। क्या मांगे रहेंगे सर? देखिए, मांगे वही है, MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएं, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम दें, गन्ने को भी C200 के साथ जोड़ दें और उसी के साथ जो लखीमपुर खीरी का इंसाफ मिलना चाहिए, सब केस वापस होने चाहिए, बिजली संशोधन बिल वापस लिया जाना चाहिए और पोल्यूशन एक्ट से खेती बाहर निकले, मनरेगा 200 दिन चले, 700 रुपया उनकी दिहाड़ी हो, आदिवासियों को जो संविधान की 5वीं सूची उसको लागू किया जाना चाहिए, फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर करे। इसी तरह से जब 60 साल का किसान हो जाता है तो उनको किसान और खेत मजदूर को 10,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलनी चाहिए, भारतीय व्यापार संस्था से खेती को बाहर लेकर आए, इन सब मांगों को लेकर आंदोलन। इस बीच 12 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक होने वाली है जिसमें किसानों की मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय किसान यूनियन से मुलाकात करेंगे। अब देखना होगा कि 12 फरवरी की शाम को किसानों के साथ होने वाली बैठक कितनी सार्थक होती है, क्या उससे कोई रास्ता निकलता है या नहीं। जो भी अपडेट होगा ललन टॉप पर आपको दिया जाएगा। साथ ही किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उससे जुड़ा कोई भी नया वीडियो या शॉर्ट आपको मिलेगा सिर्फ ललन टॉप पर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने, शुक्रिया।